पाक अमेरिकन सूफी काउंसिल के चेयरमैन राशिद मिन्हास गोल्ड फरीद की कोर्ट मिठन आमद, एडी आमिर फलाही ग्रुप की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। राशिद मिन्हास एक मारूफ बिजनेसमैन भी हैं जिनका अमरीका में अपना कारोबार है। अमरीका से मदीना मुनवरा फैमिली के हमरा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के बाद लाहौर तशरीफ लाए, जहाँ उन्होंने हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी और लाहौर में मुकीम अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन की अयादत भी की। वहाँ से उनके खलीफा हबीब के साथ पाक पतन तशरीफ ले गए। मजार फरीद पर अकीदत के फूल चढ़ाने के बाद कोट पिठन सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर हाजिरी दी और चादर भी चढ़ाई। कोट मिठन में सैयद सादिक रसूल शाह बुखारी से मुलाकात के बाद फरीद महल में वलीअहद दरबार फरीद ख्वाजा कामरान फरीद कुरेजा से मुलाकात के बाद कोट मिठन प्रेस क्लब आमद के मौके पर फलाई ग्रुप के कारकुनान ने सुख चैन मॉडल विलेज बस्ती मियानी में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुअज्जज मेहमान को माला पहनाई। इस मौके पर सदर आशिक फरीद मलिक, जनरल सेक्रेटरी एडी आमिर थईम और सीनियर नायब सदर राणा रियाज कयूम से मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि बुजुर्गान दीन के मज़ारात से अमन मोहब्बत का दर्स मिलता है और रूहानी फयूज़ो बरकात का समंदर हमेशा मौजज़ान रहता है। सूफिया कराम ने हमेशा इस्लाम की तबलीग की है। इन सच्चे आशिकान रसूल की दरगाहों पर हाजिरी बहुत बड़ी सआदत से कम नहीं। वाज़ह है कि इस मारूफ बिजनेसमैन की रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिकान रसूल बुजुर्गों की मज़ारात पर नंगे पांव हाजिरी दी। कोट मिठन आमद के बाद वो गड़ी अख्तियार तशरीफ ले गए।